ओके, दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन द सीरीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं टास्क टू एसे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थीसिस स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं, उसका मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था। अगर नहीं देखा है आपने तो वो जाके आप देख सकते हो। अभी हम देखेंगे टॉपिक सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है और किस सिचुएशन में वो अवॉइड भी किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ से पढ़ो, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द इंटरनेट मेड लाइफ मोर कन्वीनियंट कंपेयर टू इट्स डिसएडवांटेजेस। अब इसमें मैं बताता हूँ कि टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है। टॉपिक सेंटेंस होता है यूज़ पैराग्राफ की स्टार्टिंग में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैराग्राफ ये जो है आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट बीपी स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग सेंटेंस को आप बोलोगे टॉपिक सेंटेंस। अब ये टॉपिक सेंटेंस का पर्पस क्या है ये हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या मिलता है हमें, इंटरनेट हैज़ टू एमर्जिंग ड्रॉबैक्स फ्रॉम द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। तो ये बोल रहा है कि दो इसके ड्रॉबैक्स हैं इंटरनेट के जो इसके यूज़ से आते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो ये काइंड ऑफ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है पैराग्राफ के, तो इसलिए हम इसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। ये हमें सेकेंड बीपी में भी मिलता है। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ से पता लग गया कि ये ऑपोजिट साइड चला गया बीपी, और यहाँ में हमारा सेंटेंस क्लोज होता है आके। ये बोलता है क्या, इंटरनेट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ अ बून फॉर द ह्यूमंस ड्यू टू इट्स सेवरल बेनिफिट्स। तो यहाँ से एज अ रीडर मुझे पता लग रहा है कि ये पैराग्राफ जो है ये बेनिफिट्स के बारे में है इंटरनेट के। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पूरे पैराग्राफ का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये टॉपिक सेंटेंस है बी पी टू का। आई होप ये क्लियर है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। अभी टू द पॉइंट, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, इसमें दो तरीके के टॉपिक सेंटेंस मैंने लिखे हैं। एक तो जो पैराग्राफ वन के लिए यूज़ होंगे बी पी वन, दूसरा जो बॉडी पैराग्राफ टू के लिए यूज़ होंगे बी पी टू। अब आप इसको एक बार देख लो, मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। एक या दो ऐसे में हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि डिस्कस बोथ व्यूज़ है। अगर आपको उसका बॉडी पैराग्राफ वन स्टार्ट करना है तो आप ये वाला सेंटेंस वहाँ पे फिट करोगे। यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए। ये कल वाली थीसिस हमने डॉक्यूमेंट से उठा के यहाँ पे प्लेस की। इन दिस एसे आई विल एग्जामिन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, प्रोवाइड माई ओवरऑल ओपिनियन। उसके बाद यहाँ पे हमने ये प्लेस किया, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग देर आर टू मेन रीजन्स वाई पीपल थिंक। उसके बाद आगे आप ऐड कर दोगे जो कि टॉपिक है आपका, जो यहाँ से आप उठाओगे फर्स्ट व्यू से कि क्या सोचते हैं कुछ लोग। वो सोचते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ गुड जॉब, तो आगे आ जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ मोर बेनिफिशियल टू गेट जॉब्स। फिर आगे फर्स्टली करके आप आइडिया इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये जो सेंटेंस है जब आप इसको यूज़ कर लोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखने जा रहे हो उसमें क्या आने वाला है। तो एग्जामिनर जब उसको चेक करने लगता है उसको ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, उसको सीधे सीधे गाइडेंस मिलती है कि इस पैराग्राफ में क्या आने वाला है। ये पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो क्यों स्टार्ट किया है स्टूडेंट ने। अब इसी पैराग्राफ को जब आप सेकंड पैराग्राफ में जाओगे इसी एसे में, तो आप यहाँ से उठाओगे टॉपिक सेंटेंस फॉर सेकंड पैराग्राफ फॉर डिस्कशन एसे। तो यहाँ से आप उठाओगे सेकंड बीपी आप स्टार्ट करने के लिए। उसमें आगे क्या लिखोगे आप, डिस्पाइट दीज आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स ऊपर की गई हैं, मैनी पीपल फील दैट। क्या फील करते हैं यहाँ पे, हमें क्या दिया सेकेंड व्यू में, अदर्स फील बिलीव डिवेलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड गेटिंग एक्सपीरियंस इज असेंशियल। सो सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ये मेन चीज वहां पे आप प्लेस कर दोगे। सो मैनी पीपल फील दैट जस्ट अ मिनट मैनी पीपल फील दैट सॉफ्ट स्किल्स एंड गेटिंग एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स।
यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। वन मेन रीज़न इज, आगे आप कंटिन्यू करोगे तो एक बहुत अच्छी कोहेरेंस बन जाएगी, कहीं पे फ्लो नहीं टूटेगा, एक साइन पोस्टिंग लैंग्वेज की तरह काम करेगा, एग्जामिनर को साथ साथ पता लगता जाएगा आप क्या लिखने जा रहे हो आगे बीपी में। सो इस वजह से अगर आप ये सेंटेंसेस यूज़ करते हो तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी जो फर्स्ट सेंटेंसेस में होती है BP1 BP2 में वो भी नहीं होगी। सो आई होप आप इसको यूज़ कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी टू यूज़ हैं ये। इनमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हो आप फ्रीली चेंजेस कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप इसको कॉपी पेस्ट करो, बट एक बात याद रखो, ये जो जितने भी मैं फ्रेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 6 to 6.5 बैंड स्कोर के लिए हैं। अगर किसी को 7 चाहिए तो उसके लिए जो होगा उसके लिए एक प्रेपरेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।